माहिरा शर्मा जो बीते दिन पारस छाबड़ा के साथ डेट पर गई थी, उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया था। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको माहिरा के उसी इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। माहिरा से जब सवाल किया गया था कि वो घर के अंदर जाकर क्या क्या करेंगी, तो माहिरा ने कहा था कि वो क्या करेंगी ये तो वो नहीं जानती, लेकिन वो क्या नहीं करेंगी वो बहुत अच्छे से जानती हैं। माहिरा ने कहा था कि वो बिग बॉस के घर में जाकर कभी भी पूल के लिए बिकिनी नहीं पहनेंगी। माहिरा ने कहा था कि बिग बॉस के घर में मैं अपनी बॉडी दिखाने या फिर प्यार ढूंढने नहीं जा रही हूँ। बिग बॉस में तो क्या, कभी ऑन स्क्रीन भी मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जिस जगह और परिवार से जुड़ी हूँ वहाँ इस चीज की इजाजत नहीं है। बिकिनी तो क्या, क्लीवेज दिखाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माहिरा ने ये भी कहा था कि आमतौर पर बिग बॉस में लोग फ्लर्ट करते हैं। मेरा मानना है कि बिग बॉस प्यार खोजने के लिए सही जगह नहीं है। वेल, माहिरा घर के अंदर क्या नहीं करना चाहेंगी इस पर बात करते हुए माहिरा ने साफ साफ कहा था कि ना तो वो घर में प्यार ढूंढ रही हैं और ना ही वो घर में पूल के अंदर बिकिनी में जाने वाली हैं। बात करें माहिरा और पारस की, तो माहिरा ने समय समय पर ये कहा है कि पारस सिर्फ उनके दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये भी बता दें कि घर से बाहर आने के बाद दलजीत ने ये बयान दिया है कि माहिरा गलत इंसान के चक्कर में फंस गई हैं। दलजीत ने कहा था कि माहिरा रियल है लेकिन पारस उनकी दोस्ती डिजर्व नहीं करते क्योंकि पारस गंदी गेम खेल रहे हैं। वेल, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कहेंगे आप माहिरा के इस इंटरव्यू पर और माहिरा और पारस की दोस्ती पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।